ठीक है। सबसे अच्छा काम किसका लगा? मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या अच्छा नहीं लगा मूवी के अंदर? पूरी मूवी अच्छी नहीं, पूरी बोरिंग मूवी थी। अच्छा, ऐसा कोई कैरेक्टर जिसके अंदर आपको देख के अच्छा लगा, उनका कॉमेडी बंचेस? मुझे तो बिल्कुल सच्चा था कि नहीं आता तो ज़्यादा अच्छा होता। थैंक यू सर। कैसे लगी मूवी? जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, मतलब स्टोरी वाइज हम नहीं इसको हम क्रिटिसाइज कर सकते या कुछ बोल सकते, बट ऐसा है कि हाँ एंटरटेनमेंट के लिए गए हो तो कुछ बनाया है, बट वो पूरा ही वो लग रहा है कि जैसे बोलते हैं ना कि आर्टिकल, क्या बोलते हो कि मतलब आर्टिफिशियल लग रहा है, मतलब कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है। हाँ। बस वैसा है। अच्छा, 10 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 10 में से 7। सर कैसे लगी मूवी? इधर आ जाइए। सच्ची बताऊँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक मूवी मुझे लगी। लिटरली मतलब कि रोहित शेट्टी ने पूरा मल्टीवर्स खोल रखा है। अगर मार्वल खोल सकता है, डीसी खोल सकता है, रोहित शेट्टी भी खोल सकता है। क्या मतलब कॉमेडी के ना मजा आता है, फिर लोग बुराई क्यों कर रहे हैं? कॉमेडी क्या, लोग बुराई क्यों कर रहे हैं? ऑडियंस कौन बुराई कर रहा है भाई? कौन है बुराई करने वाला? हाँ आपको मजा आया मूवी के? बहुत 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 ज़्यादा। रोहित शेट्टी सर ने कमाल की फिल्म बनाई है। इट वॉज रियली अमेजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक मूवी थी। पोस्ट क्रेडिट सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश लगा, और मुझे लगा था अजय देवगन का भी कैमियो होगा इसमें। भर भर के कैमियोज है, इतनी ज़्यादा अमेजिंग एंड फैंटास्टिक फिल्म है। वर्थ इट मूवी है। अच्छा, इतने सारे कैरेक्टर्स इस मूवी के अंदर आए हैं। हाँ। तो सभी को परफेक्ट रोल दिया है, सभी को कॉमेडी पंचेस दिए हैं, एकदम सही दिया है सबको रोल, यानी कि मतलब कि सबको रोल दिया है, और हर एक रोल, चाहे वो सपोर्टिंग रोल हो चाहे वो छोटा रोल हो, हर एक को रोहित शेट्टी ने बराबर की यानी कि मतलब प्लानिंग दी है, हर एक को बराबर का उन्होंने दिया। कहीं पर मतलब फिल्म बोर तो नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको 10 में से 100 स्टार्स देना चाहूंगा, लिटरली ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। अच्छा, इस मूवी के ना रणवीर सिंह के 2 कैरेक्टर बताए गए, एक इलेक्ट्रिक में एंड सीधा सीधा बच्चा। सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा? जो बैंगलोर वाला रॉय था वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे। अच्छा, इस मूवी के ना पूजा हेगड़े, जैकलिन फर्नांडिस। हाँ, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा रोल किया है। सबसे अच्छा रोल किसे लगा? पूजा हेगड़े, जैकलिन फर्नांडिस। ऐसे कंपैरिजन तो मैं करता नहीं हूँ किसी में, ना खुद में भी नहीं करता हूँ, बट लेकिन दोनों मेरे लिए बेस्ट है। बट अभी इसमें देखा जाए तो मुझे पूजा हेगड़े हो गए। इस मूवी के अंदर पूजा जी का काम सबसे अच्छा लगा, पूजा हेगड़े का, है ना? इस मूवी के अंदर इतने सारे कॉमेडी सेक्टर है, बट सबसे ज्यादा लेजेंड एक्टर कौन सा लगा? क्योंकि यार बाबा जब जब स्क्रीन पर आए तो हंस हंस के पेट दुख गया। एज की तरह जॉनी लीवर। जॉनी लीवर मतलब वो तो बंदा ही अलग है। और जो जो बाकी के कैरेक्टर्स, उनका क्या कहना चाहेंगे? बाकी ने भी बहुत अच्छा रोल किया है, बाकी ने भी बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि कॉमेडी परफॉर्मेंस अपना बहुत ज़्यादा अच्छा दिया। एक वर्थ इट मूवी है। अच्छा, मूवी के अंदर वल्गर सीन्स तो होगा नहीं, क्योंकि फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है। सर ऐसे फिल्म बना ही नहीं सकते, कभी भी वल्गर सीन्स तो होंगे नहीं उसमें। जहाँ पर रोहित शेट्टी सर का नाम आ जाता है, वहाँ पर उनकी फिल्मों का ना एक्शन आ जाता है। तो आपको इस मूवी के अंदर एक्शन मिला? अरे हाँ, इसमें यही तो मिसिंग था, ये तो मिसिंग था। मैं सोच रहा था भाई गाड़ियाँ उछलेंगी, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ये हुआ ही नहीं। मैं इसका ही वेट कर रहा था, और क्या। अच्छा, मूवी के ना कुछ मतलब स्टोरी घुमाई जाती है कि बस एक के पीछे एक ही, जो अक्षय कुमार की फिल्मों के अंदर होता है वैसा कुछ है? यहाँ पे स्टोरी पूरी एक थोड़ी देर बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलता ही रहता है। इतना ज्यादा यानी कि कन्फ्यूजन से, यानी कि मतलब बंदा हंस हंस के लोटपोट हो जाए लिटरली। मूवी का ना पोस्ट क्रेडिट सीन भी बताया गया है। बहुत खतरनाक था पोस्ट क्रेडिट सीन, तो बहुत खतरनाक। गोलमाल 5 का, यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन तो गोलमाल 5 का उन्होंने, यानी कि मतलब कि वो सिम्बा मूवी जो आई थी आग मारे, उसमें उन्होंने 5 में दे दिया था, पर लेकिन वो मूवी शायद तक कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई, शायद तक जहाँ तक मैं न्यूज़ में ज्यादा जाता हूँ। तो यहाँ पर जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसने मतलब आग ही लगा दी उसने। आप सब में से रणवीर सिंह को कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं 10 में से 10। पूजा हेगड़े 10। अपनी जैकलिन फर्नांडिस 10। अपने बाकी की जो कैरेक्टर्स है, जो कॉमेडी कैरेक्टर्स, ऑल कैरेक्टर्स को कितने देना चाहेंगे? सबको मैं 10 out of 10 ही देना चाहूंगा। 10 out of 10 पूरी मूवी को मैं 100 out of 100 रेटिंग के स्टार्स देना चाहूंगा सर। थैंक यू सर। फाइनली दोस्तों, जो मूवी के रिव्यू है वो मिक्स टू पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, यानी कि कई सारी पब्लिक बोल रही है कि मूवी अच्छी भी है, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि मूवी बेकार भी है। अब हमको देखना ये है कि जब इस मूवी का शनिवार का रिव्यूज़ निकल के आते हैं या फिर सेकेंड शो के रिव्यू निकल के आते हैं तो उनको मूवी कैसी लगती है। कई सारे बंदों ने तो मेरे मुँह पर यह भी बोल दिया कि मैंने आके इस मूवी के ना टाइम वेस्ट कर दिया है। अब पता नहीं क्यों यार लोगों को मूवी बुरी लगी, बट एक बात कंफर्म है कि अगर आप इस मूवी को देखने फैमिली के साथ में आते हैं तो मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, मूवी के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हाल फिलहाल में दोस्तों जितने भी कॉमेडी कैरेक्टर्स है सभी ने एक दूसरे की तारीफ करी है, और जॉनी लीवर साहब तो हर बार की तरह इस मूवी के अंदर भी छा चुके हैं। अब दोस्तों देखना यह है कि आगे चल के फिल्म कितना बड़ा धमाल मचाती है, और क्या बड़े बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़ पाती है। जय हिंद। तो उन्होंने बताया 12 से 13,
तो हम भी जल्दी आ गए थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं पब्लिक के साथ हम भी फिल्म देख ले। अब रोहित शेट्टी एक ब्रांड है, उससे उम्मीद रहती कि इसकी फिल्म है मतलब कि कॉमेडी भर भर के होगी, एक्शन शानदार होगा और ये फिल्म खूब ज़्यादा एंटरटेन करेगी, क्योंकि रोहित शेट्टी के पिछले सिम्बा, सूर्यवंशी, गोलमाल अगेन, ऑल द बेस्ट सब अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी का जो मेन फ्लेवर था कॉमेडी का, जो रियलिस्टिक कॉमेडी पंचेस वाला है, वो पूरी तरह से फिल्म में फीका है। मतलब कि कुछ एक कॉमेडी सीन तो ऐसे है जो जबरदस्ती आपको फोर्स करते हैं कि हंस भोसड़ी के, फिर भी आपको हंसी नहीं आती है। तो यहाँ पर साफ साफ लग रहा है कि फिल्म में जो कॉमेडी है ना वो जबरदस्ती की डाली है। अच्छा, परफॉर्मेंस वाइज कैसी लगी रणबीर की? ठीक है भाव, क्रिंज लगती है थोड़ी कई कई जगह पर, वो बट ठीक है। आप बताओ आपको क्या क्या अच्छा लगा? मेरे को तो कहीं भी अच्छा नहीं लगा, भी अच्छी नहीं लगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मतलब देखने आया था, एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा जाए, रोहित शेट्टी की जो पिछली फिल्में थी सिम्बा, हाँ भले रीमेक थी, हाँ, लेकिन वो मतलब कुछ हटके बताया, उसका जो क्लाइमेक्स था वो भी चेंज कर दिया गया था, और मूवी में कॉमेडी भी अच्छी थी। हाँ, इसमें कॉमेडी भी कुछ नहीं है, 60s का मसाला बता रहे हैं, 60s जैसी लगनी भी तो चाहिए मूवी। नहीं नहीं, यहाँ खासियत ये है कि 60s का एरा बता है और जो लोकेशंस दिखाई वो आज के टाइम की बता दी है। लोग कनेक्ट कैसे करेंगे और फील कैसे करेंगे कहानी 60s की कहानी के होने के बाद में कलर भी ज्यादा ब्राइट है। अरे इतना कलर डाल दिया, कलर वगैरह तो ठीक है, वो तो एडिटर के ऊपर, अपन कुछ गाली वाली देना तो दे दो। नहीं नहीं, गाली नहीं देंगे, बट यहाँ पे सीधा है कि कॉमेडी जबरदस्ती की डाली है। कॉमेडी फिल्म बनाने कुछ ऐसा नहीं है कि कॉमेडी जबरदस्ती है, कुछ कुछ एक्टर्स है, संजय मिश्रा जी है काफी इम्प्रेसिव काम किया है, और अपने जॉनी लीवर सर है, जॉनी लीवर के बेस्ट कॉमेडी थी। उसके बाद वो अभी मराठी एक्टर, क्या नाम उनका यार, ऐसे दिखता है जो पोस्टर फिल्म मूवी में गोलमाल में भी है, ऑल द बेस्ट फिल्म का नाम याद। और दूसरी बड़ी बात, ऐसी फिल्म बनाने के बाद में पोस्टर क्रेडिट सीन भी डाल दिया है, चलता रहता है ये सब। तो गोलमाल से जो कनेक्शन दिखाया ना, वो समझ नहीं आया कि क्यों दिखाया है। वही ये है कि हाँ, गोलमाल 5 में वो एंट्री कराना चाहते हैं दोनों की, वरुण शर्मा, और मैं बोलता हूँ कि नहीं करवाए तो अच्छा। तो अब क्या है ना, जो चार है ना, अजय और अरशद और इनका जो काम है उसको टक्कर नहीं दे पाएंगे ये लोग, तो भैया ठीक ठाक लगी मेरे को तो। और मेन चीज वहाँ देखो ना कि जब थिएटर में आप आए तो ऑडियंस कितनी कम थी, 20-22 लोग। रोहित शेट्टी ने जब अभी दीपावली के मौके पर थैंक गॉड और ये राम से तो रिलीज हुई थी, जब पीआर बाजी करवाई थी कि सूर्यवंशी का रिकॉर्ड अक्षय और अजय मिलके नहीं तोड़ पाए, और रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी ने बड़ी ओपनिंग ली थी 27 करोड़। रोहित शेट्टी को ये लग रहा था कि उसके नाम की वजह से सूर्यवंशी ने ओपनिंग ली थी, तो फिर आप सर्कस भी रोहित शेट्टी के, फिर सर्कस को ओपनिंग क्यों नहीं मिली, थिएटर के अंदर 10-12 लोग। तो एक बात क्लियर हो जाती कि रोहित शेट्टी अजय देवगन के बिना जीरो है, अधूरा है। मतलब उसको या तो बड़े स्टार कास्ट चाहिए। तो आप सूर्यवंशी का क्रेडिट किसको दोगे? सूर्यवंशी का क्रेडिट पूरा अक्षय को जाता है, पूरा अक्षय को जाता है। नहीं, कहीं ना कहीं आखिरी के अंदर सिम्बा और अजय को भी जाता है, बस्टर हो जाती है। आखिरी में अजय और सिम्बा को भी तो जाएगा ना, वो नहीं होता, मजा ही नहीं आता फिल्म में। वो एक ब्रांड है, मतलब सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी तीनों मिलकर चले, बाकी रोहित शेट्टी के नाम से उतनी नहीं चले। बा रोहित शेट्टी के अगर नाम से चलना रहती तो आज सर्कस को देखने के लिए पब्लिक की भीड़ जमा हो जाती, या बेंचो कोई भी नहीं है। क्रिसमस का वीकेंड है बाबा, चलना चाहिए थी। क्रिसमस के वीकेंड में इसको खा जाएगी उतार। और कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी की फिल्म आती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि फिल्म के अंदर कॉमेडी के साथ में एक्शन भी होगा, पर यहाँ पर तो चूतिया भाव बता दिया पूरा, एक्शन तो जीरो, एक्शन की उम्मीद करने आया तो बोल दिया था, पहले ही बोल दिया था उसने एक्शन नहीं है, वो तो उसने बता दिया था। बट फिर भी अगर आप सोच रहे हो कि रोहित शेट्टी मतलब एक्शन, एक्शन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक है, एक तरह से लगता है कि तुम सोचोगे कि हवा में गाड़ी उड़ेगी तो परिंदे उड़े तो